पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी की मीम्स की वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ गई। हसदे चेहरियां का मतलब यह नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब यह होता कि इन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता है। बिल्कुल सही। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। मैं वापस से अपलोड करने आ गया हूँ यूट्यूब के ऊपर, बट टुडेज़ वीडियो इस बस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। मैं ऐसी वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं करता, बट मेरा यूट्यूब चैनल है तो भी दिखाया जा सकता है जी। और इसी चीज़ की वजह से एक भंड भी हो गया। तो हुआ कुछ यूँ कि अभी पिछले दिनों पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हुआ है वर्ल्ड कप में, जिसके अंदर आसिफ अली ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और लोग उनकी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसके ऊपर मीम्स भी बना रहे थे। तो आपके भाई की माशाल्लाह से एडिटिंग अच्छी है, मतलब गरूर नहीं कर रहा, एडिटिंग आती है मुझे। तो मैंने बोला लेट्स गिव इट अ ट्राई, मतलब मीम बनाना, मतलब मैंने बोला कितना मुश्किल है, लेट्स गिव इट अ ट्राई, एक यूट्यूब शॉर्ट डाल दूंगा। तो इसी चुंगल में फंस के मैंने पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में सिक्योरिटी रिलेटेड एक मीम बना दिया एंड यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। एक मिनट बाइक वाले हो जाने दें। जब मैंने वो मीम अपलोड किया तो बैक ऑफ माई माइंड मेरी एक ये बात ज़रूर थी कि यार ऐसा ना हो कॉपीराइट पड़ जाए, बट सिर्फ 20 सेकंड्स की क्लिप थी, इसलिए मैंने बोला शायद वो फेयर यूज़ के अंदर आ जाए और कॉपीराइट ना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ गई ICC वालों की तरफ से। पर अब कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ गई है तो अब क्या करना है। ये वीडियो एक ट्यूटोरियल भी है कि अगर आप लोग ने भी अगर इस चीज़ के ऊपर मीम बनाई है या मतलब जो भी है, आप लोग क्लिप्स वगैरह लगा रहे हैं कहीं से भी उठा के, या आपको किसी भी तरह से अगर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ी है तो ये वीडियो आपके लिए ट्यूटोरियल भी हो सकता है। तो करना आप लोगों ने कुछ ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है, मतलब सीरियसली आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है, बिकॉज जब तक आपके उसके ऊपर चैनल के ऊपर एक स्ट्राइक पड़ी है तब तक आपके चैनल को कुछ भी नहीं होना। 3 स्ट्राइकों पर आपका चैनल टर्मिनेट होता है। बट अगर आप लोगों की एक वीडियो पे कॉपीराइट पड़ा है और आप ऐसा कंटेंट बनाते हैं कि कहीं से कंटेंट उठा के उसको मॉडिफाई करके फिर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, जैसे कि मीम्स वगैरह, अगर आप लोगों ने मतलब अभी के मैचेस वगैरह हैं जैसे उसकी एग्जांपल ले लें, अगर आप लोगों ने वो वाली और भी मीम्स बनाई हुई हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी हैं बट उनके ऊपर अभी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं पड़ा है, सिर्फ आपकी एक वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा है, तो फ़ौरन से पहले सबसे पहले आप लोगों ने वो वाली वीडियोज़ डिलीट करनी है। बिकॉज़ अगर एक के बाद अगर 2 आपके ऊपर आपके चैनल के ऊपर स्ट्राइक्स और पड़ जाएं तो आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं व्लॉग्स बनाता हूँ और मेरा मॉडिफाई करके कंटेंट लगाने का कोई कंटेंट है नहीं, सो मेरा तो मसला है बिल्कुल भी नहीं है। और एक और बात यह है कि आपकी जो स्ट्राइक होती है वो 90 डेज़ के बाद रिमूव हो जाती है, मतलब ख़त्म एक्सपायर हो जाती है आपकी यूट्यूब के ऊपर से स्ट्राइक। तो ये सीन है, आप लोगों को बिल्कुल पैनिक नहीं करना, बस आगे कॉपीराइटेड कंटेंट इस्तेमाल नहीं करिएगा ताकि आपके चैनल पर और स्ट्राइक्स ना पड़ जाएं और आपका चैनल कहीं टर्मिनेट ना हो जाए। सो इंशाल्लाह ताला मैं तो पूरी कोशिश करूँगा आगे कोई ऐसी अहमकाना हरकत ना करूँ। आप लोग भी दिमाग से काम लिया करें, कॉपीराइटेड वगैरह चीज़ें ना उठा लिया करें मेरी तरह, जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे दिमाग का। सो देख के बनाएँ जो कर रहे हैं। और अगर आप लोगों के वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ गया है तो उल्टा सीधा काम नहीं कर दिएगा, बस आप लोगों ने इंतज़ार करना है 90 दिनों का, तब तक आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाएगी, वो वाली वीडियो रिमूव कर दें, बस इतना सा आपने काम करना है। और जो मेन काम है वो है आप लोगों ने घबराना नहीं है। सो दिस ये वीडियो एक ट्यूटोरियल टाइप बन गई जो कि मेरे साथ भंड हुआ है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया ताकि आप लोगों के साथ ना हो जाए। बट आपस की बात है, आसिफ अली ने छक्के बड़े टाइट दिए थे। Call an ambulance, but not for me.